इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, क्वेश्चन ई पार्ट। तो आपको यहां पर बताना है किस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले बच्चों आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करते समय बच्चों आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ बेसिकली क्या अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना स्टार्ट करिए। पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका निकल के आ गया एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, टी की पावर थ्री का एन यू एन माइनस वन, ये हो गया, ठीक है। प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ये होगा थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर तक देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन किया गया, ये दिस इज अ नॉर्मल डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल। एक का करते हैं दूसरे का नहीं करते हैं, फिर दूसरे का करते हैं पहले वाले का नहीं करते। तो इस तरह से बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बच्चों आपने फाइनली कर लिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप ध्यान से देखिए, आपका थ्री कॉमन है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो जो बच्चों अंदर बचा है आपका, एक बचा है एक्स प्लस वन और दूसरा बचा है एक्स माइनस थ्री। तो बच्चों ये दो टर्म्स आपके अंदर बचे हैं, आप इसको रिव्यू करिए, अंदर एक बचेगा x प्लस वन और एक बचेगा x माइनस थ्री। आप बच्चों इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करिए, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस टू। अब यहाँ पे आपको इनइक्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों यहां से आप टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वन। तो ओवरऑल बच्चों जो आपका एफ एक्स या जो डी वाई बाई डी एक्स है वो निकल के आया है सिक्स टाइम्स एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। और बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर आपको ये काम करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ग्रेटर देन जीरो करेंगे। जैसे ही बच्चों आप डी वाई बाई डी एक्स को जीरो से बड़ा करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पर एक इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब बच्चों आपको ये मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर, अब आने लगी, बीच में चली गई थी। ओके तो ये इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन है, आप इसको करिए तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस वन नहीं लेंगे, x इक्वल टू थ्री नहीं लेंगे, सिर्फ x इक्वल टू वन लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को ध्यान देना होगा, कभी भी इनइक्वालिटी में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, और जो सिक्स है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं उनको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपके पास बच्चों जो इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन होगा वो होगा x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। क्या होगा, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ ये होगा। तो बच्चों नंबर लाइन पे आप वन प्लेस करेंगे और इस तरह से आप लिखेंगे प्लस माइनस, और आपका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग टू वन से इंफिनिटी। तो इस इंटरवल में बच्चों फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि आपने वन से इंफिनिटी जो इंटरवल दिया है आपको उसमें क्रॉस चेक करना होता है, कि क्रॉस चेक करके आप ये चेक करेंगे कि ये वाले पॉइंट्स जो आपने हटाए थे, यानी कि कौन कौन से हटाए थे आपने फैक्टर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और x प्लस वन का होल स्क्वायर, आपको क्रॉस चेक ये करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि जिन फैक्टर्स को मैंने रिमूव किया है उनके आंसर्स, उनके क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है थ्री, ये थ्री पे जीरो हो रहा, इसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस वन, ये माइनस वन पे जीरो हो रहा। अब आपने जो आंसर निकाला है उसमें चेक करिए कि थ्री और माइनस वन तो नहीं आएगा वन से इंफिनिटी में, तो तुम कहोगे यस सर वन से इंफिनिटी में थ्री आएगा लेकिन माइनस वन नहीं आएगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से थ्री को एक्सक्लूड कर देंगे, थ्री को एक्सक्लूड कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, किस इंटरवल में, वन से इंफिनिटी में, जहां पे थ्री को मैंने हटा दिया है।
और आप इस आंसर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। और बच्चों आपको पता होगा कि इस आंसर को इस तरह से इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 यहां पे भी इंक्लूडेड नहीं है और 3 यहां पे भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट होता है ये ओपन ब्रैकेट होता है, तो ओपन ब्रैकेट में ये सब इंक्लूडेड नहीं होते। तो बच्चों आपको ये 100% समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला, उसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको बताया। तो इसमें क्लास 11th की इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट जो यूज हुए हैं वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किए कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे इवन पावर के फैक्टर, पावर 2 भी हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है, पावर 6 भी हो सकती है, इवन पावर के फैक्टर्स को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं, और अपना आंसर निकालने के बाद उनको क्रॉस चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं उनको हटाने के बाद फिर से आंसर में आ गए। तो यहाँ पर ऐसा था, वो आंसर में आ गया था तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। और बच्चों अब आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करना है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 6 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 लेस देन 0। तो बच्चों ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होगा, और इसमें आप ध्यान देंगे कि यहां पर फिर से इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट आ गया, ये सारे नंबर पॉजिटिव है इसलिए आप सिर्फ लिखेंगे x माइनस 1 लेस देन 0। तो इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक नंबर लाइन बनानी है, जैसा वीवी कर मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा आप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेस देन जीरो के लिए चाहिए तो आप लेस देन जीरो के लिए अप्लाई करेंगे, यानी अपना आंसर लिखेंगे x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1। लेकिन बच्चों आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं ये वाले आंसर इसमें आ गए हो 3 और माइनस 1, तो तुम चेक करोगी माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में माइनस 1 आता है, इसलिए हम माइनस 1 को वहां से एक्सक्लूड कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 और उसमें से माइनस 1 हटा दो, जिसको आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से 1। तो बच्चों आपकी ये दोनों आंसर हो गए, ऊपर वाला जो आंसर है बच्चों वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है और नीचे वाला जो आंसर है बच्चों वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है। तो ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ।